एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई जा रही उड़ान में सवार सभी 136 लोग देर रात उस समय बाल बाल बच गए जब विमान के पहिए तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान दीवार से टकरा गए। विमान के पहिए दीवार से टकराने से पहले उस उपकरण से टकराए जिसका इस्तेमाल विमान उतारने के संबंध में पायलट को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। हवाई अड्डा अधिकारियों ने कहा कि विमान में सवार 130 यात्री इससे घबरा गए क्योंकि विमान हिल गया। जब विमान के पहिए दीवार से टकराए तो पायलट ने विमान को और ऊपर उठाने का प्रयास भी किया। इस बीच हवाई यातायात नियंत्रण के अधिकारी पायलट से संपर्क नहीं कर पाए क्योंकि सिग्नल चले गए थे। अधिकारियों ने कहा कि इसे हवाई अड्डे की 50 फुट ऊंची चारदीवारी और कटीले तार की बाड़ क्षतिग्रस्त हो गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दक्षिणी ओडिशा के 3 जिलों गंजम, गजपति और रायगढ़ में बाढ़ की स्थिति गंभीर है क्योंकि प्रमुख नदियों में जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। चक्रवात के कारण इन जिलों में 3 दिनों में सबसे ज्यादा बारिश हुई। विशेष राहत आयुक्त बीपी सेठी ने कहा कि बालासोर जिले के लोग भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और ओडिशा आपदा रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात करने का निर्णय एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया जहां मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चक्रवात के बाद की स्थिति का जायजा लिया। पटनायक ने नदी के टूटे तटबंधों की तुरंत मरम्मत कर जोर दिया और जिला कलेक्टरों से राहत शिविरों में रह रहे लोगों को पक्का भोजन मुहैया कराने को कहा। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। यह समिति आरंभिक सार्वजनिक निर्गम और अन्य श्रेणियों के विनिमय से जुड़े मुद्दों पर सेबी को सलाह देती है। सेबी ने टीवी मोहनदास पई को 24 सदस्य समिति का अध्यक्ष बनाया है। पई मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के चेयरमैन है। बाजार में प्रणाली और प्रक्रियाओं को सरलीकरण और पारदर्शी बनाने के लिए कानूनी ढांचे में बदलाव के लिए उठाए जाने वाले मुद्दों पर सेबी को सलाह भी देती है। त्योहारी मांग को देखते हुए सोना एक बार फिर से 32,000 के पार चला गया। हालांकि सेंसेक्स में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है और यह 732 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। विदेशों से मजबूत रुझान के साथ त्योहारी मौसम में स्थानीय आभूषण निर्माताओं की ओर से तेज खरीद के कारण सराफा बाजार में सोने का भाव 140 रुपए की तेजी के साथ 32,120 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। इसके साथ ही सोने में लगातार तीसरे दिन तेजी बरकरार रही। वही औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से दिवाली के कारण चांदी 500 रुपए की बढ़त के साथ 39,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। राज्य सरकार ने इस वर्ष नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष पखवाड़े भर पहले धान खरीदी होगी। धान बेचने किसानों को तहसील कार्यालय में पंजीयन कराना होगा, तभी वे अपनी उपज सहकारी समितियों में बेच पाएंगे। पंजीयन नहीं होने की स्थिति में किसान अपना धान सहकारी समिति में नहीं बेच पाएंगे। राजस्व अधिकारियों के चुनावी कार्य में व्यस्त होने की वजह से किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण किसान पंजीयन कराने भटकने को मजबूर भी है। पंजीयन की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के कारण जिला और स्थानीय प्रशासन में लोगों के कई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तत्काल में किसानों को धान बेचने अपना पंजीयन कराना जरूरी है। राजधानी में देर रात हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। प्रदेश में आने वाली हवा में नमी की मात्रा कम होने से इस तरह की स्थिति बन रही है। राजधानी में दिन और रात का तापमान सामान्य रहा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक जैसे जैसे प्रदेश में आने वाली हवा शुष्क होगी यह ठंड बढ़ती जाएगी। प्रदेश में चक्रवात के कारण राजधानी समेत कई शहरों में तापमान सामान्य रहा, वहीं कई इलाकों में इसमें भारी गिरावट हुई। चक्रवात के असर से कई संभागों में हल्की से मध्यम बारिश भी हुई। अगले 24 घंटे को लेकर यह अनुमान है कि कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। प्रदेश के उत्तरी इलाके जैसे सरगुजा और अंबिकापुर में हवा के शुष्क रहने से वहां थोड़ी ठंड बढ़ने के आसार भी है। इधर मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजधानी में आधी रात बाद हल्की ठंड का एहसास होने लगा, यह रात का तापमान सामान्य है।
विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने शिकंजा कसने की शुरुआत कर दी है। रायपुर पश्चिम विधानसभा में आयोग की स्थैतिक निगरानी टीम ने मुद्रक प्रकाशक का नाम दिए बगैर लगाए जा रहे बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स को जब्त किया है। जब्त सामग्री रायपुर पश्चिम के बसपा प्रत्याशी भोजराम गौरखेड़े का बताया जा रहा है। आयोग ने प्रचार सामग्री के साथ उसके परिवहन में लगे वाहन को भी जब्त कर लिया है। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने बसपा को नोटिस भी जारी किया है। प्रचार सामग्री और वाहन जब्ती की कार्रवाई रायपुर पश्चिम के रिटर्निंग ऑफिसर संदीप अग्रवाल के निर्देश पर एसएसटी दल ने की है। राहुल गांधी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 18 कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जमकर चर्चा हुई। एआईसीसी द्वारा कराए गए 3 सर्वे, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा खुद किए गए जमीनी आकलन और फिर राज्य के विभिन्न 10 वरिष्ठ नेताओं की अनुशंसा के बाद प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, विधायक दल के नेता टीएस सिंहदेव, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, एके एंटोनी, अहमद पटेल जैसे 10 वरिष्ठ नेताओं से अटे पड़े सीसी के समक्ष पेश हुए। जूनियर नेताओं को भी टिकट वितरण से संबंधित एआईसीसी की कार्यपद्धति समझाने के ख्याल से पहली बार राहुल गांधी ने प्रभावी सचिवों को भी सीएसी की बैठक में शिरकत करने का न्योता दिया। मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय में राज्योत्सव के आयोजन के संबंध में बैठक हुई। राज्योत्सव 2018 का आयोजन राज्य स्तर पर किया जाएगा। 1 से 3 नवंबर तक राज्योत्सव का आयोजन अटल नगर स्थित पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी औद्योगिक एवं व्यापार परिसर में किया जाएगा। मुख्य सचिव सिंह ने कहा, इस वर्ष विधानसभा अहम चुनाव 2018 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के जिलों में राज्योत्सव का आयोजन नहीं होगा। राज्योत्सव में मुख्य रूप से खादी एवं ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, माटी कला, रेशम, कृषि उत्पादकों के प्रदर्शन और बिक्री सहित व्यापार मेला, फूड जोन, फन फेयर, बुक फेयर आदि मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अस्पतालों में इलाज के विवादास्पद प्रकरणों को सुलझाने में स्वास्थ्य विभाग जुट गया है। ऐसे मामलों में अस्पतालों से संबंधित प्रकरणों की जानकारी मांगी गई है, जिसके बाद अफसर संबंधित अस्पताल और बीमा कंपनी के साथ बैठकर ऐसे विवादास्पद मामलों को सुलझाएंगे। स्मार्ट कार्ड से इलाज को लेकर काफी पैदा होने वाले विवादास्पद प्रकरणों में अस्पतालों का भुगतान रोक दिया जाता है। स्मार्ट कार्ड से इलाज के दौरान कई इलाज को लेकर मामला विवादास्पद हो जाता है और बीमा कंपनी द्वारा ऐसे अस्पतालों का भुगतान रोक दिया जाता था, जिसके कारण अस्पतालों के सामने कई बार आर्थिक समस्या भी आन खड़ी होती थी। बीमा कंपनी ऐसे मामलों में बहुत लंबे समय से भुगतान नहीं कर रही थी, जिससे विवादास्पद मामलों की संख्या भी बढ़ गई थी। कॉमेडी फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता वरुण शर्मा का कहना है कि फिल्म फ्राइडे में वह गोविंदा के साथ कॉमेडी करते समय काफी डरे हुए थे। वरुण ने कहा कि वह हीरो नंबर एक अभिनेता की फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, इसलिए उनके साथ फिल्म में काम करना एक सपने जैसा था। वरुण ने कहा कि गोविंदा के साथ फिल्म करना, जो उस शैली के दिग्गज है, काफी चुनौती भरा था। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पता था कि यह एक ऐसा अनुभव होगा जिससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा और मैं अपने बच्चों को बता पाऊंगा कि मैंने गोविंदा के साथ फिल्म की है। मैं उनके साथ फिल्म करते समय काफी डरा हुआ था। फुकरे के अभिनेता ने कहा कि अभिषेक डोंगरा की फिल्म में गोविंदा के साथ काम करने के बारे में उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि उनके लिए एक प्रशंसक के तौर पर यह एक बड़ा मौका था। अभिनेता अभी दिलजीत दोसांझ और कृति सेनन अभिनीत अर्जुन पटियाला और फिल्म दंगल के निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म छिछोरे की शूटिंग में व्यस्त हैं। विक्की कौशल जो अपनी अगली फिल्म उरी की तैयारियों में व्यस्त है, उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अब तक की गई फिल्मों में सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें उन्हें शारीरिक रूप से अधिक मेहनत करनी पड़ी। प्रेक्यूट अवार्ड के दौरान विक्की ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह बात कही। उरी के टीजर को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। वही फिल्म को लेकर विक्की ने कहा, फिल्म में काम करना अच्छा अनुभव रहा। मेरे करियर के थोड़े समय में पूरी अब तक की सबसे अधिक शारीरिक मेहनत वाली फिल्म रही है।